चैत्य भाई, चित्तौड़गढ़ की आपकी विजिट के बारे में कुछ बताइए। बताए। हाँ ठीक है, तो इस मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ले मेरे एक घूमने के बारे में, तो इसके में बुरे कमेंट्स मत करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले ले इन्फॉर्मेशन है कि चित्तौड़गढ़ एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे विजिट के बारे में। तो हम पहले भावनगर से मुंबई आए, फिर हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे, फिर हम एक होटल में थे, फर्स्ट थे। उसके बाद हमने महाराणा प्रताप का किला दूर से हम देख रहे थे पहाड़ के ऊपर। तो फिर हमने हमने नाया नहीं, 9 बजे सीधा निकले हम चित्तौड़गढ़ के किले के उधर। हमारे होटल के सामने उधर पहाड़ पे एक दिख रहा था हमें एक किला जैसा, वो महाराणा प्रताप का था। अब वो सोचो, वो 2.5 किलोमीटर से बड़ा है, तो उसे घूमना भी कितना टाइम लगेगा। लगभग आपको 2-3 घंटे लगते हैं घूमने में, पर हमने उधर 2 घंटे घूम मीन्स 1 घंटे घूमे, 2-3 घंटे लगते एक घूम 1 घंटे घूमे। तो हम उधर पहुंचे, जैसे हम उधर कुछ पोल्स देख रहे थे, लाइक हनुमान पोल, राम पोल एंड एक्सेट्रा। तो हमने इतने गेट देखे। उसके बाद हम पहुंचे महाराणा प्रताप के किले, फिर हमने देखा मीराबाई मंदिर, राधे कृष्णा एंड एक्सेट्रा। उधर एक और मंदिर था, नाम याद नहीं है। तो फिर हम एक और बार गए, फिर हम देखने गए विजय स्तंभ, और भी कई सारे जगह देखे। और लास्ट में हमने देखा कि हम कीर्ति स्तंभ पे हैं। और उससे पहले हम एक म्यूजियम में थे, देखने गए थे हम उधर। उधर बहुत सारे तलवारें उनकी थी, उनका उधर सूट भी था, उनका उनका वेट था महाराणा प्रताप का लगभग 110 kg। तो फिर सोचो, उनका भाला 10 kg, 8 मीन्स 8 kg का, उनका पूरा सूट वो 80 kg का, उनका हेलमेट 10 kg का, और लगभग चेतक 200 से ज्यादा kg उठाता है, तो भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो म्यूजियम में हमने कई टाइप्स के हमने हथियार देखे, लाइक तलवार, परशु मीन्स एक्स, परशु यानी कि एक्स एक्स स्वॉर्ड, फिर तोपेदार गन्स, ऐसा हमने एक्सेट्रा देखा। फिर एक बायोनेट शील्ड भी देखा, शील्ड भी था बायोनेट। फिर हम आगे आगे बढ़े तो हमें और भी कई सारी चीजें देखी। उसके बाद हम जैसे म्यूजियम से बाहर निकले, हमने एक और जगह देखने गए। पूरा उधर उधर हमने स्टार्टिंग पे चित्तौड़गढ़ का पूरा नक्शा देखा, लंबा सा लंबा। और इसकी अगर वाइड इसका डायमीटर देखे तो इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, बोले भावनगर से लगभग बहुत बड़ा है डायमीटर में। बाकी हम अगर इसे ऊंचाई में देखे तो ऊंचाई में इतना सा हमें लगता है, और साइज में इतना सा है ले डायमीटर में। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है ले डायमीटर में, तो फिर कितना बड़ा होगा। उसके बाद हम उधर देखे राजाओं को, उधर हमने राजस्थान के राजा आगे आते गए, उसमें हमें महाराणा प्रताप भी दिखे। उसमें हमें ADCE उन सब के बारे में भी दिखा थोड़ा। उधर उस अकॉर्डिंग उसके टाइम वो बताता था, उस अकॉर्डिंग के वो कौन से टाइम के वो राजा बने, वो सारा अकॉर्डिंग बताता था। उसके बाद हम आगे आगे गए, उधर हमें वो तलवारें और देखा। उसके बाद हम कीर्ति लास्ट में कीर्ति स्तंभ देखा। इस उसके बाजू में एक मंदिर भी था जो दिगंबर का था। उससे बहुत बहुत पीछे एक बड़ा सा टावर था, और उधर श्वेतांबर का मंदिर था।
उसके बाद हम एक और बार आगे गए, उधर हमने तीर्थों का श्वेतांबर का मंदिर देखा, और लास्ट हम फिर अपने होटल आ गए। थैंक यू।